मेरी सहेलियां जिनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनके शराबी पति उन्हें हर दिन मारते। इसलिए उनकी मुसीबतें देखकर मैंने फैसला किया कि मैं कभी किसी शराबी से शादी नहीं करूंगी। मसीह परिवार में पली बड़ी संध्या शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन की कामना करती थी। उसने दिल से एक अच्छे पति के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। उसकी पहली प्रार्थना यही थी कि उसे शराब की आदत ना हो। इसलिए जब उसे पता चला कि उसका पति बाला रेड्डी नियमित रूप से पीता है, तो उसे लगा कि परमेश्वर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं बहुत बुरा महसूस करती। कुछ दिनों तक मैं खामोश रही क्योंकि आसपास बुजुर्ग लोग थे, पर कुछ दिनों के बाद मैंने उससे झगड़ना शुरू किया। मैं परमेश्वर से झगड़ती क्योंकि उन्होंने मेरी कामना पूरी नहीं की। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती कि वो मेरे पति को बदल दे। हर घंटा जब मैं प्रार्थना करती तो उसमें 59 मिनट बस मेरे पति के लिए ही होते। बस यही प्रार्थना होती कि वो मेरे पति को बदल दे। अपने हृदय में इतना तूफान लेकर और अपने पति के व्यवहार से नाराज संध्या लगातार अपने पति से झगड़ती रहती, पर इसी बात ने उसे और ज्यादा पीने पर मजबूर किया और इस दंपति के बीच फासले बढ़ते गए। इससे पहले कि वो घर आता, मैं उससे झगड़ने को स्वयं को तैयार कर लेती। मेरी बहुत लंबी जुबान थी और इसलिए मैं उस पर चिल्लाया करती। जब मेरी मर्जी होती मैं हमेशा उस पर चिल्लाती, क्योंकि मैं सोचती कि ऐसा करने पर मैं उस पर नियंत्रण रख सकती हूँ, क्योंकि सारी कमी मुझे उसमें नजर आती थी। संध्या ने यीशु मसीह से प्रार्थना जारी रखी इस उम्मीद में कि उसका पति अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। मैं हफ्ते में 3 बार उपवास रखती बस अपने पति को बदलने के लिए। हफ्ते में 3 बार कड़ा उपवास रखती, परमेश्वर से लड़ती कि वो बस मेरे पति को बदल दे। 4 साल बीत गए, संध्या की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। बाला रेड्डी ने अपनी शराबखोरी जारी रखी और संध्या ने उसे तंग करना जारी रखा, जब तक कि एक दिन पवित्र बाइबल के एक वचन ने उसे दर्शा नहीं दिया कि वो कहां गलत थी। नीति वचन 27:15 में परमेश्वर कहते हैं, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। और परमेश्वर ने मुझसे ये बात भी की कि मैं क्या करूंगी कि अगर कोई व्यक्ति जख्मी हो जाए। मैंने कहा, प्रभु मैं उसे दवा दूंगी। परमेश्वर ने कहा, पर तुम पीड़ा बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करोगी? तुम में इतनी समझदारी है, तुम अपने पति के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो शायद शराबी हो, पर अगर तुम उसे शराबी शराबी कहकर पुकारती रहोगी तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे अपनी जुबान से ठेस पहुंचा रही हो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि उसके जख्म कैसे चंगे होंगे। तब मुझे पता चला कि मेरी जुबान मेरे पति को ठेस पहुंचा रही है। इस ज्ञान बोध ने संध्या को चौंका दिया और उसने अपनी गलतियां परमेश्वर के आगे स्वीकार की। तब से संध्या के लिए एक और कठिन लड़ाई शुरू हो गई, वो थी अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं डर जाया करती कि कहीं मैं चिल्लाना शुरू न कर दूं। इसलिए मैं बाथरूम के अंदर चली जाती और रोया करती। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया करती कि मैं अपनी जुबान काबू में रखने में असमर्थ हूँ। यदि मैं अपना मुंह खोलती हूँ तो आप चमत्कार नहीं करेंगे, इसलिए कृपया परमेश्वर, ये आपके लिए ही संभव है कि मेरी जुबान पर नियंत्रण रखें। मैं घुटने टेकने और पुकारने से पहले उनसे प्रार्थना करती, आपके बेटे को बदलना होगा, उससे पहले मुझे बदलना होगा, मेरे पूरे परिवार को बदलना होगा। और मेरी इस प्रार्थना से ही मुझे बल मिला। उसका ये बदलाव बाला रेड्डी के सामने स्पष्ट दिख रहा था, जल्द ही उसमें भी बदलाव आने वाला था। जिस समय से मैंने शांत रहना शुरू किया वो हैरान हो गया। वो व्यक्ति जो रात 2 बजे घर आता, उसने 8-9 बजे शाम को घर आना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं उससे पूछूं कि क्यों। इसलिए मैंने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों आ रहा है। वो उत्तर दिया करता ये कहकर कि उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा और उसे लगा कि वो घर वापस आए। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु, 11 साल से मैं अपने पति को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे लिए ये संभव न था। आप कितने महान परमेश्वर हैं कि इतने थोड़े से अरसे में आपने मेरे पति को बदल दिया। मैंने इसके लिए यीशु का धन्यवाद किया। संध्या की खुशी की सीमा न रही जब आखिरकार बाला रेड्डी ने शराब छोड़ दी और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मैं अपने उन 11 साल के सारे दुख, दर्द और पीड़ा भूल गई, क्योंकि वो शख्स जो कभी मुझे कुछ नहीं बताया करता था, अब उसने हर चीज पर मेरे साथ सलाह करनी शुरू कर दी। हम इकट्ठे बैठते
और फैसला करते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे इस विषय में बहुत खुशी महसूस होती, क्योंकि मेरे लिए कोई भी खुशी इससे बढ़कर नहीं। परमेश्वर के बाद मेरे पति ही वो हैं जिनसे मुझे उतना प्रेम मिला। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इसे मैं केवल महसूस कर सकती हूँ और आप समझ सकते हैं। आज संध्या रेड्डी का जीवन गवाही बनकर उन अनेक औरतों को आशा दिखा रहा है जो अपने शराबी पतियों द्वारा सताई जाती हैं। वो बड़े नाज से यीशु को श्रेय देती हैं इस चमत्कार के लिए जिसने उसके पति को बदल दिया, और सभी सहेलियों को उत्साहित करती है कि उसी पर भरोसा रखें कि उन्हें शांति से भरा घर दें उनकी परमेश्वरीय शांति।